अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मेरी सिस्टर इतनी नाइस मेरे लिए वीडियो बना के लेके आई थी, तो उनके स्कूल में बारिश हो रही थी तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, तो मुझे वीडियो इतनी अच्छी लगी, चलो मैंने कहा मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। ये माशाल्लाह कितना प्यारा हसीन नेचर है ना। आप लोग भी जब बारिश होती है नेचर में बाहर निकलते हैं, इन्जॉय किया करें। घरेलू परेशानियों से, कोई भी मुश्किल है किसी भी से, थोड़ी देर निकल के अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि जो परेशानियाँ हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जितना बंदा सोचता है उतनी ज़्यादा परेशानियाँ इंसान को घेर लेती हैं। बस थोड़ी देर के लिए निकल के अपने आप को थोड़ा टाइम दिया करें, नेचर को देखें, अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ बनाया हुआ है हमारे लिए। सम टाइम तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहाँ से सूखे आसमान से बारिश बरसा सकते हैं और सूखे पत्तों से फल भी निकाल सकते हैं अल्लाह हैं, कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हाल में। अगर आप परेशान हैं तो कोई बात नहीं, अपनी जो जितनी परेशानियां हैं अल्लाह के हवाले करके सोया करें। यकीन करें जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स अल्लाह को सुनाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। लोगों को आप अपसेट ज़रूर होते हैं, तो लोग कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला इंसान का वसीला ज़रूर बनाता है लोगों के ज़रिए ना। और ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें और अपनी हर परेशानी अल्लाह के साथ शेयर किया करें, अल्लाह से बातें किया करें। दिन में एक टाइम निकाल लें, रात का या दिन का कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको सुकून हो अल्लाह से बातें करके। जिस दिन आप अल्लाह को बातें बताएंगे ना, उस दिन से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारे सोचने से पहले सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बोलो अपनी ज़ुबान से कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, तो मुझे पुकारो। मैं तुम्हें ना दूँ तो ऐसा हो नहीं सकता, तो आप अल्लाह को पुकारें, प्यार से पुकारें, यकीन करें आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको चाहिए। ये कितना प्यारा वेदर है माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगा, हसीन यार, इतना नेचर खूबसूरत है, आँखों को खुश। अल्लाह इंसान को जिस हाल में रखता है ना, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा बंदा किस हाल में बेहतर है। ठीक है, अपने हर मकसद को अल्लाह के वाले छोड़ दें और फिर देखें फिर क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।